प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की शुरुआत करने वाले हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल का ये फर्स्ट वीडियो है, जिसे बेसिक वीडियो भी कह सकते हैं आप। तो इसमें हम सीखेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल के बेसिक्स, कि इंडेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो पहले ये जान लें कि इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो डिफरेंशिएशन, जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है d by dx ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन उल्टा कहेंगे हम, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। और लिखने का तरीका हमारा इसको ऐसा रहेगा, ये जो मैंने नोटेशन लिखा हुआ है, ये जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स यहाँ आ जाएगा। और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम जिसके, जैसे यहाँ पर हम डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ डी एक्स लिखा था, इसी तरीके से यहाँ हम डी एक्स, इसका मतलब है कि वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका बड़ा महत्व है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ डी एक्स की जगह कुछ और होता तो फिर ये आंसर इसका नहीं होता। क्या नहीं होता इसका आंसर? इसका आंसर साइन एक्स नहीं होता, साइन एक्स होगा। और एक डिस्कशन और होगा जिसके बारे में हम करेंगे चर्चा, उसको कहेंगे इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। तो जब भी इंटीग्रेशन होता है, इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट और डेफिनेट में अंतर है, इंडेफिनेट में लिमिट्स नहीं होती, यहाँ लिमिट्स आती हैं डेफिनेट में, यहाँ आती है ये और यहाँ आती है। कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे 0 से π/4 हो सकती है, 2 to 3 हो सकती है, a to b हो सकती है, और भी कुछ हो सकती है, फंक्शन भी हो सकते हैं, x to sin x हो सकते हैं, sin x to cos x हो सकते हैं, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट का यूज़ नहीं होता, किसका, ये जो, तो सारे इंडेफिनेट इंटीग्रल्स जो होते हैं उनमें एक कांस्टेंट लगा रहता है, उस कांस्टेंट को कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। वो इसलिए लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि आप देखिए, साइन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका भी कॉस एक्स होगा, साइन एक्स प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। अब हमारे पास तो बेसिकली क्या है, कॉस एक्स है। अगर कॉस एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो साइन एक्स प्लस 1 आएगा क्या, नहीं मालूम क्या आएगा, साइन एक्स प्लस 1 हो सकता, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 3, तो इसलिए हम सी लगा देते हैं। और वो सी हमें नहीं पता होता है कि सी क्या होता है, कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, बस हम लिख देते हैं कि साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब हो सकता है कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, ये कांस्टेंट 0 हो, तो कांस्टेंट अगर 0 होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी होती है, तो अगर उन कंडीशंस को हम अप्लाई कर दें तो फिर हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। वरना आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यू नीड टू इंटीग्रेट दिस। तो इंटीग्रेशन के लिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप लिख दीजिए साइन एक्स प्लस सी, और वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट। सी नहीं लिखना चाहते, ए लिख दें, बी लिख दें, के लिख दें, जो मर्जी हो वो लिख दें, तो ये एक कांस्टेंट है। तो आपको एक बात मेरी समझ में आई कि डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन है। तो आइए कुछ आगे से चलते हैं और समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा टेन एक्स का डेरिवेटिव d by dx ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, d by dx ऑफ टेन एक्स। अगर sec स्क्वायर एक्स होता है तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल फिर क्या होना चाहिए, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है टेन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं लगाते तो फिर आपका आंसर पूरा सही नहीं माना जाएगा, उसके लिए थोड़े से मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, कुछ कट जाएंगे आपके मार्क्स। तो बी श्योर, बी कन्फर्म्ड कि आपने सी लगाया है, सी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपने देखा कि जैसे हमारे पास टेन एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स था, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स हुआ। अब हम बेसिक इंटीग्रल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला डिफरेंशियल है वो ये है, क्या है वो डिफरेंशियल, d by dx ऑफ x to the power n, x to the power n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx n-1।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटीग्रल वो होगा, मतलब एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स टू द पावर एन प्लस एक कांस्टेंट सी मान लीजिए। अब इसमें से एन बाहर आ सकता है, एन बाहर आ गया तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस सी। अब इस एन को आप नीचे भेज दें, इस एन को डिनोमिनेटर में भेज दें, तो एन को अगर डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स एक्स टू द पावर एन अपॉन एन प्लस सी बाय एन। अब आप एन की जगह, इस एन की जगह, स्मॉल एन की जगह अगर आप कैपिटल एन प्लस वन लिख दें तो देखिए क्या फ़ायदा मिलने वाला है आपको। तब आपको फ़ायदा मिलने वाला है एक्स टू द पावर एन प्लस माइनस वन, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, यहाँ डी एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी बाय एन। सी बाय एन इज अ कॉन्स्टेंट, सी बाय एन एक कॉन्स्टेंट है, उसको चाहें तो आप के लिख दें, सी बाय एन को क्या लिख दें कॉन्स्टेंट, क्योंकि सी भी कॉन्स्टेंट है एन भी कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा के पूरा क्या है, ये कि पूरा के पूरा है कॉन्स्टेंट, तो ये के से रिप्लेस कर दिया हमने। तो अब हमारे पास दोस्तों फार्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया आपके पास, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट के, एक इंटीग्रल कांस्टेंट के, पर इसमें एक कंडीशन है कि एन शुड नॉट बी माइनस वन, क्योंकि अगर एन की वैल्यू माइनस वन हो जाती है, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू व्हाट, एन शुड नॉट बी व्हाट, एन शुड नॉट बी माइनस वन, अगर एन की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तब आप समझ सकते हो कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और ये डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर कभी आपके, तो ये एक फार्मूला आ गया, लेकिन अगर कभी एन की वैल्यू माइनस वन है तो एन की वैल्यू माइनस वन है तो आपके पास इंटीग्रल इस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन, और आप ये फार्मूला लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करते हैं तो ऐसा हो जाएगा माइनस वन प्लस वन प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के लिखो, सी लिखो, जो लिखना हो वो लिखो, और ये अपॉन में जीरो आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको याद भी होगा, अब सोचेंगे अगर कि आप एक्स टू द पावर माइनस वन है, एक्स टू द पावर माइनस वन है, तो एक्स टू द पावर माइनस वन क्या चीज़ है, एक्स टू द पावर माइनस वन वन अपॉन एक्स है, और वन अपॉन एक्स याद रखो किसका डिफरेंशियल होता है, तो आपको याद होगा वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात और थोड़ी सी सिखा देता हूँ, इधर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए कि आप लॉग ऑफ मॉड एक्स निकालना चाहते हैं, बेस इसका ई है, बेस इसका ई है, तो अगर आप ऐसा निकालना चाहते हैं तो फिर मॉड एक्स पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो है, मान लीजिए एक्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, तो इक्वल टू जीरो में तो लॉग ऑफ जीरो डिफाइंड ही नहीं होता है, तो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स लॉग ऑफ मॉड एक्स का। मालूम होगा आपको कंसेप्ट कि मॉड एक्स क्या चीज़ है, तो मैं मॉड एक्स के बारे में भी लिख देता हूँ आपको, ये अब रब कर देता हूँ, मैं मॉड एक्स के बारे में भी लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ मॉड एक्स, तो आपको कंसेप्चुअली समझ में आएगी बात, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। मॉड एक्स इज एक्स, मॉड एक्स एक्स होता है कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो या जीरो के बराबर हो। जैसे आपका मान लीजिए कि मॉड ऑफ क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि मॉड ऑफ आपके पास लिखा हुआ है माइनस फाइव, मॉड ऑफ माइनस फाइव, अब आपका मॉड ऑफ माइनस फाइव क्या है, तो मॉड ऑफ माइनस फाइव आपका एक, ये जो एक्स है, एक्स है, मान लीजिए एक्स माइनस फाइव है, तो एक्स जीरो से छोटा है, तो अगर एक्स जीरो से छोटा है तो उसमें माइनस एक्स लिखिए, फिर क्या लिखिए आप माइनस एक्स, तो माइनस फाइव कौन है, माइनस फाइव इस केस में एक्स है और वो जीरो से छोटा है, और वो जीरो से छोटा है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स होगी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ माइनस फाइव, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। और अगर आपका कोई वैल्यू ऐसा है, मान लीजिए कि आपका कोई वैल्यू ऐसा है मॉड ऑफ सेवन है,
तो सेवन तो आपका जीरो से बड़ा है, तो सेवन अगर जीरो से बड़ा है तो फिर वो चेंज नहीं होगा, विल रिमेन सेवन। तो कहने का मतलब यही है, क्या है कहने का मतलब, कि मॉड के अंदर की चीज़ हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू जहाँ पे भी होता है वो आउटकम को प्लस करता है, पर आउटकम को प्लस कैसे करता है, तो उसका स्टाइल है कि अगर उसके अंदर प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा, पर उसके अंदर अगर दोस्तों माइनस है, उसके अंदर नंबर माइनस है, तो वो उसको प्लस बनाने के लिए एक और माइनस उस पर इम्पोज कर देता है। ये लिखा हुआ है इसमें कि अगर आपका नंबर जीरो से छोटा है तो एक और लग जाएगा माइनस। तो जब ये माइनस लगा, जैसे इसमें देखा आपने कि एक्स की वैल्यू माइनस फाइव है और माइनस फाइव जीरो से छोटा है, तो एक माइनस और उसके ऊपर इम्पोज हो गया, तो वो क्या बन गया, प्लस फाइव बन गया। तो अब दो बातें हो गई कि ये एक तो डेफिनेशन आपको क्लियर है कि मॉड एक्स इज प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो ये लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशियल बेस मैंने आपको बता रखा ई है, ये हो जाएगा वन बाय एक्स। अगर x की वैल्यू आपकी जीरो से छोटी है, मान लीजिए कि आप x जीरो से छोटी है, x इज इक्वल टू जीरो नहीं ले रहे, क्योंकि अगर x इक्वल टू जीरो लेंगे तो लॉग जीरो इज नॉट डिफाइंड। x जीरो से छोटा है, x माइनस थ्री है, माइनस टू है, तो लॉग के अंदर माइनस टू देखो आएगा यहाँ पे माइनस टू, पर वो एब्सोल्यूट वैल्यू होने के कारण क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, इसलिए वो पॉसिबल है। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, जब अगर x जीरो से छोटा है तो मॉड x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा आपका लॉग ऑफ माइनस एक्स, लॉग ऑफ माइनस एक्स बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप ये मत सोचिए लॉग के अंदर माइनस है, लॉग के अंदर तो प्लस ही है, क्योंकि एक्स आपका जीरो से छोटा है, मतलब एक्स माइनस थ्री है माइनस टू है, जब ये माइनस उस पर लगता है तब वो प्लस बन रहा है। तो ये अंदर तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, इसका डेरिवेटिव होगा वन अपॉन माइनस एक्स और वन अपॉन माइनस एक्स, माइनस एक्स का कितना होगा, माइनस एक्स का माइनस वन, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस, दोनों स्थितियों में लॉग ऑफ मॉड एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स ही आया। इसलिए एक बहुत अच्छा सवाल भी आता है कि व्हाट इज अप्रोप्रिएट डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉग ऑफ मॉड एक्स, तो लॉग ऑफ मॉड एक्स का अप्रोप्रिएट डेरिवेटिव है वन अपॉन एक्स, दैट इज वाई इट्स इंटीग्रल इज वॉट, इसका इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। तो ये बात थी इसके इंटीग्रल की, अगर x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन। फिर से देख लें, x टू द पावर n होगा तो x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, बट इफ़ यू हैव x टू द पावर माइनस वन देन दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल, तो फिर डायरेक्टली यू विल हैव टू राइट दिस इंटीग्रल, या फिर आप दोस्तों चाहें तो ln भी लिख सकते हैं, ln x, ln x लिखेंगे तो फिर बेस डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ln, ln का मतलब होता है log बेस e, log का बेस e, या नेचुरल log बोलते हैं उसको, और पढ़ने का तरीका उसको ln को ln होता है, ln, ln। तो ये दोस्तों था कि x टू द पावर का इंटीग्रल, तो अब अगर इसका एप्लीकेशन आएगा तो क्या करोगे आप, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस से इनका कंसेप्ट सिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास आ गया है x टू द पावर 3 का इंटीग्रल करना है, तो फिर आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या होगा x टू द पावर 3 का इंटीग्रल, तो x टू द पावर 3 का इंटीग्रल होगा x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी। हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, तो हमने फार्मूला किया ये वाला। इसको मान लीजिए कि ये फार्मूले को नंबरिंग करते चलते हैं, इस फार्मूले का नंबर दे दिया 1, इस फार्मूले को नंबर कर दिया 2, तो ये कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, यूजिंग वन, वन का यूज़ करके हमने इसको किया है। अब अगर आपके पास मान लीजिए कि k है, k का इंटीग्रल करना है आपको, तो k को क्या लिख सकते हैं, तो k तो बाहर आ जाएगा आपका, k क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा dx। इसमें ये प्रॉपर्टी होती, क्या वाली प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रल में अगर ऐसा लिखा है f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, जैसे डिफरेंशियल में होती वैसे इसमें भी प्रॉपर्टी होती, तो दोनों का इंटीग्रल सेपरेट हो जाता है एफ एक्स, वो बहुत सिंपली सेपरेट हो जाता है, तो अपने को ऐसा समझ में भी नहीं आता है कि ये कोई प्रॉपर्टी जैसी प्रॉपर्टी बात है लग गई,
ये एक इंटीग्रल दोनों सेपरेट हो जाते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर के इंटू एफ ऑफ एक्स हो तो के बाहर आ जाता है और एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल हो जाता है एफ ऑफ एक्स का। तो जैसे इसमें के बाहर आ गया, इन दोनों प्रॉपर्टी को लीनियरिटी कहते हैं, लीनियरिटी। लेकिन अब इसकी इतनी ज़्यादा सर्जरी में मत पड़िए, आप तो ये ध्यान रखिए कि ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब के बाहर निकाल लिया, अंदर कौन बचा आपका डी। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, के इंटू यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो वन बचा, वन को क्या लिख सकते हैं आप, x टू द पावर जीरो। और आप x टू द पावर जीरो में फॉर्मूला लगा दें, ये वाला x टू द पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा के एक्स प्लस सी। आप ये नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, और आपको बहुत सिंपल लगे कोई बात ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका के एक्स प्लस सी। तो ऐसे याद समझो कि आपके पास इंटीग्रल क्या आ गया, इंटीग्रल आ गया के का इंटीग्रल हो गया के एक्स प्लस सी। इसको भी आप एज अ फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। तो इनकी दोनों की नंबरिंग लगभग एक जैसी दिख रही है क्वेश्चंस की, लेकिन इसको फिर एक काम करते हैं, इसको वन कर देते हैं रोमन का, इसको रोमन का टू कर देते हैं और इसको रोमन का थ्री कर देते हैं। तो आपको फॉर्मूले जैसा फील होगा कि ये फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन है 1 2 3। और अगर k की जगह 1 होगा, 1 या dx होगा, तो 1 का डिफरेंस, 1 किसका डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रल x होगा। और आप इसमें भी देखो, यहाँ पर k की जगह 1 आ जाएगा, 1x प्लस सी यानी x प्लस सी। तो ये आपके पास एक बात हो गई। क्या बात हो गई आपके पास दोस्तों, कि k का इंटीग्रल होगा kx और 1 का इंटीग्रल होगा 1x, 2 का होगा 2x, 3 का होगा 3x, लाइकवाइज। तो इस तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ तो आपका कंसेप्ट जो है वो सॉलिड होता जाएगा। और अगर एक बार सॉलिड कंसेप्ट बना और बेस से आपने सारे वीडियोस देख लिए तो आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इंडेफिनेट इंटीग्रल हो, डेफिनेट इंटीग्रल हो या कोई और दूसरी चीज़ हो तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए, आप जो थर्ड इंटीग्रल ले रहे हैं हम, और रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर को, तो रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर। तो पहले आप इसको ओपन कर दीजिए, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, वन बाय रूट एक्स का स्क्वायर वन बाय एक्स प्लस ट्वाइस और रूट एक्स इंटू वन बाय रूट एक्स डी एक्स। ये रूट एक्स से रूट एक्स को कैंसिल कर दें, एक्स टू द पावर वन का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स टू द पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यूजिंग वन। इसमें वन बाय एक्स में लॉग ऑफ क्या लिख देंगे आप, मॉड एक्स बेस ई प्लस, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने, इसमें फॉर्मूला यूज किया आपने सेकेंड वाला। और टू के लिए आपने लिख दिया टू एक्स सी, सबके लिए एक ही आएगा, सबके लिए सारे सी, हर एक में सी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हर एक में मैं सी लिखूं तो सी तो नहीं लिख सकते, फिर आप एक में सी वन लिखोगे, एक में सी टू लिखोगे और एक में सी थ्री लिखोगे, और फिर ये तीनों सी ऐड होकर के क्या बन जाएंगे, एक नया ही कोई कांस्टेंट बन जाएगा, वो इंटीग्रल कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ। एक बार मैं ये चेक कर लूँ मेरा इंटीग्रल, ये जो कनेक्शन आपका वाईफाई, इससे वाईफाई से इस तरह से कनेक्टेड है, तो ये कनेक्शन कम से कम प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड है। अभी 19 मिनट हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमने देखे तीन इंटीग्रल के क्वेश्चंस जो उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड थे। आप मेरे साथ बने रहे, थोड़ा सा समय है, और आप अगर ये कीमती समय मुझे देते हैं तो मैं आपको बहुत कुछ दूंगा और बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपके पास, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह का हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है रूट एक्स का इंटीग्रल, तो रूट एक्स को आप एक्स टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रल कर देंगे एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स टू द पावर 3/2, और ये भी 3/2 है, तो इसको उल्टा करके 2/3 लिख दें,
है ना। इसमें एक छोटी सी बात और है, जैसे पांचवें नंबर का क्वेश्चन है वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन रूट एक्स है तो नीचे जाके इंटीग्रल नहीं कर सकते कि नीचे गए और नीचे वन का अलग कर दिया और रूट एक्स का अलग कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप ऐसा ना सोचें कि मैंने वन का अलग कर दिया, ये डी एक्स है, इट इज़ नॉट ट्रू, और ऐसा कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। ऊपर कैसे उठाओगे, तो ये नीचे x की पावर 1/2 है, ऊपर उठा लोगे तो ये हो जाएगा -1/2। फिर वो फार्मूला नंबर वन जो लगाना है वही x टू द पावर -1/2+1 अपॉन -1/2+1 प्लस सी, सी सब में लगाइएगा आप, तो -1/2+1 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2, और ये जो अपॉन में 1 - 1/2 आया तो मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा 2√x + c। हो सके तो इसको याद भी रख लें कि 1/√x का इंटीग्रल 2√x होता है, 1/√x का इंटीग्रल 2√x होता है, 1/√x का इंटीग्रल 2√x होता है, ऐसे याद रखें। सी तो लगाना ही आपको, सी लगाने में तो कोई कंजूसी आप करिएगा ही मत, सी तो आपको हर हाल में लगाना पड़ेगा, सी आपके लगाए बिना काम बनेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तकरीबन 21 मिनट हुए, मैंने अब भी नोटिस किया तो आप अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक देखिए, एक्स टू द पावर 3+1 अपॉन x+1, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे आप, इसमें a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। थोड़ा दिमाग अब खर्च करना चालू करते और देखिए कितने बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ये a³ + b³ लगा दीजिए तो हो जाएगा x+1, और यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से x²-x+1 अपॉन x+1। आप x+1 से x+1 को काट दें, x² का इंटीग्रल आप लिख दें, x²-2+1 अपॉन 2+1, x²-1+1 अपॉन 1+1 प्लस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x + c। ये मैंने आपको 1 का इंटीग्रल x बता दिया है, आप उसका यूज़ कर लीजिए और अब कैलकुलेट करके आप आंसर लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसी के जैसे मैं 2 क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ ताकि आपको करने से कॉन्फिडेंस आएगा और आप कंफर्टेबल फील करेंगे, और आप अपने रिस्पांस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लिख के भेजिएगा। मेरा नंबर है 96856, व्हाट्सएप नंबर जो स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है, 98056, और मैं डॉक्टर हूँ, मतलब PhD इन मैथमेटिक्स ही हूँ। आप कभी भी अनइजी ना फील करें, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार की, आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, आगे तक जुड़े रहेंगे आप और मेरे से कनेक्शन में रहेंगे, ये स्टूडेंट्स को ही डेडिकेटेड है। आप इस पे आप अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस देने वाला था वो देखिए, x³+8 हो तो इसमें x+2, इसी कंसेप्ट से आप करिएगा इसको। और मैं एक और आपके लिए बना देता हूँ क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आप x³-8 ले लें और नीचे ले लेंगे हम x²+2x+4, ठीक है, इसमें भी a³-b³ लगाएंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा और आप ये दोनों इंटीग्रेशन एकदम इजीली और हैप्पीली कर लेंगे। अब आपके पास कभी ऐसा हो, जो c की वैल्यू निकालने की बात हुई थी उन पर डिस्कशन कर लेते हैं हम, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन की भी बात कर सकेंगे। 30 मिनट्स के वीडियो में हम काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, 30 से बड़ा नहीं रखेंगे ताकि आपको अगला वीडियो में इंटरेस्ट आए, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो होने से भी दिमाग में ज़्यादा तनाव पड़ता है और फिर जब दिमाग में स्ट्रेस होता है तो फिर मन थोड़ा कम लगता है। तो आप रिलैक्स रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, मैं टाइम का बहुत ध्यान रखता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि f(x) = मान लीजिए दिया हुआ है x+2 और एंड f(0) = 1, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड करने को कहा कि f(1) फाइंड करिए, देन फाइंड f(1). तो f(x) का क्या मतलब है, f(x) का मतलब है डिफरेंशिएशन। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया दोनों साइड, अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया
इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एफ डैश एक्स का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर वन का इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, प्लस टू, टू का मैंने आपको के का बताया था, के का इंटीग्रल क्या होता है के एक्स, तो टू का टू एक्स होगा, प्लस क्या हो जाएगा एक सी, एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों, अब आपको निकालना है एफ ऑफ वन, पर उसके लिए दिया क्या है अपने को, अपने को दिया है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, तो गिवन, या मैं ऐसा करूं एक्स की जगह जीरो रख दूं, एक्स की जगह अगर जीरो रख दूंगा तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जीरो, जीरो प्लस टू इंटू जीरो प्लस सी। तो ये एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपको दी हुई है वन, तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू सी, ये दोनों जीरो जाएंगे सी आ जाएगा। ये कैसे हुआ, बिकॉज एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो वन है, ठीक है, ये वन है। एफ डैश एक्स को डेरिवेटिव बोलते हैं, इसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स को डेरिवेटिव, तो जो इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन को एक चीज और याद रखना, इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव भी कहते हैं, इंटीग्रेशन को ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव, और प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव याद रखिएगा, इंटीग्रेशन के ही दोनों नाम है, एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन किया ये और एक्स की वैल्यू रखी, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, इसलिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से देखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई ये एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस टू एक्स प्लस सी की वैल्यू वन। पर हमें निकालना क्या बच्चों, हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ वन। तो फाइनली हेंस हेंस एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, एक्स की जगह वन डाल दें तो वन स्क्वायर बाय टू, टू इंटू वन प्लस वन, तो हो जाएगा वन बाय टू प्लस थ्री, एलसीएम ले लेंगे, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन बाय टू, ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। और मेरे ख्याल से टाइम तकरीबन 27 मिनट हुआ है और हमने काफ़ी कुछ सीखा जिसमें डिफरेंशिएशन। अब आप अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, साइन एक्स के, कॉस एक्स के, टेन एक्स के, सेक स्क्वायर एक्स के, इनके सबके डेरिवेटिव्स देखेंगे। तब तक आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए और एक बार इंडिपेंडेंटली इनको ट्राई करिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे लिख भेजें, मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियोस उन तक पहुंच पाएँ जहां तक बच्चों को ये इस प्रकार की एजुकेशन, मैंने क्या बोलते हैं, सुलभ नहीं होती है, एजुकेशन मिल नहीं पाती है। दोज हु आर डिप्राइव्ड दे कैन हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज ऑन YouTube। और विश यू ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में मिलते हैं।